और गंगाबाई घाट पर रोजाना दर्जनों शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तो वहीं गंगाबाई घाट का अंदर का परिसर गंदगी की चपेट में है। जिधर भी नजर जाती है वहां पर कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देने वाला कूड़ा कचरा और कीचड़ साफ देखा जा सकता है। इस ओर मनपा प्रशासन का कतई ध्यान नहीं है। यहां पर फैले कूड़ा कचरा और फैली गंदगी से कोरोना महामारी का प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ सकता है। पेश है हमारे संवाददाता संजय मेरे इनकी ग्राउंड रिपोर्ट शहर के गंगाबाई घाट से, आइए देखते हैं। नागपुर शहर और नागपुर जिले में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार संक्रमितों का आंकड़ा 6500 पार हुआ है, जबकि पिछले 24 घंटे में 65 कोरोना संक्रमितों को कोरोना के आतंक ने धूम मचाते हुए उन्हें मौत की नींद सुला दी है। रोजाना शहर की अलग अलग शमशान भूमि पर दर्जनों शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। शहर के गंगाबाई घाट पर भी ऐसा ही कुछ नजारा साफ देखा जा सकता है। कोविड मरीजों की डेड बॉडी को मनपा प्रशासन के कर्मचारी लगातार गंगाबाई घाट पर लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। पूरी ईमानदारी से अपने काम के प्रति कर्मचारी और मनपा प्रशासन अच्छा कामकाज कर रहे हैं। गंगाबाई घाट पर मनपा के कर्मचारी द्वारा कोरोना से मौत हुए शवों का अच्छे से अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जान की बाजी लगाकर पुण्य का काम कर रहे तमाम अधिकारी कर्मचारी बधाइयों के पात्र हैं। लेकिन दूसरी ओर इसी गंगाबाई घाट पर कोरोना का संक्रमण बढ़ाने के कामकाज भी हो रहे। इस गंगाबाई घाट पर जिधर भी नजर जाती वहां पर कोरोना का वेस्ट मटेरियल जैसे हेड कैप, ग्लव्स, एप्रॉन, हैंड सॉक्स आदि कर्मचारी द्वारा यहां पर फेंका जा रहा है, जबकि गंगाबाई घाट पर मृतक के परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए आते रहते हैं। काफी दिनों से ये कोरोना का कूड़ा कचरा अभी तक उठाया नहीं गया है, जिससे संक्रमण का खतरा और भी बढ़ सकता है, बढ़ रहा है। इतना ही नहीं तो जब गंगाबाई घाट पर अंतिम संस्कार के बाद मौजूद लोग इसी नलों से हाथ पांव धोते हैं, लेकिन अफसोस कि वहां पर भी बहुत दिनों से मच्छर से परिपूर्ण कीचड़ जमा हुआ है, जिसकी साफ सफाई होना बेहद जरूरी है। आप देख सकते हो बहुत महीनों से गंदे मैले पानी का जमाव हो जाने से और अभी तक के साफ सफाई नहीं किए जाने से गंगाबाई घाट परिसर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। अफसोस है कि इस ओर मनपा प्रशासन के अधिकारी स्वास्थ्य कर्मचारियों का ध्यान नहीं है, जबकि रोजाना उनका गंगाबाई घाट पर आना जाना है। आइए पेश है गंगाबाई घाट से हमारे संवाददाता संजय मेरे इनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट। मनपा प्रशासन दे ध्यान में। इस समय में हम नागपुर के गंगाबाई घाट इस शमशान भूमि पे खड़े हैं। हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे रोजाना कई कोरोना से जिनकी मौत हुई है, ऐसे कई पेशेंट को यहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है। ये वही गंगाबाई घाट है। आप देख सकते कि इस समय में तमाम लाशें यहाँ पे जलती हुई दिखाई दे रही है। अब हम आपको यहाँ से पल पल की जानकारी देंगे और हम आपको ये बता दें कि इस गंगाबाई घाट पर अंतिम संस्कार होने के बाद जिस बॉडी को यहाँ पे लाया जाता है, उनके कपड़े हो या फिर जो अपनी सेवाएं दे रहे हो, जो लगातार कोरोना बॉडी को उस प्लेटफॉर्म पर ढंग से रखते हो कपड़े पहनकर कोविड के, लेकिन बाद में काम होते ही उसको कुछ इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये वो बीमारी का और बड़ा धन है जो काफ़ी घातक हो सकता है, लोगों के स्वास्थ्य को ये प्रभावित कर सकता है। मगर अफसोस कि ईश्वर ना मनपा प्रशासन का ध्यान है, न किसी मंत्री का ध्यान है और ना ही किसी और का ध्यान है। तो दर्शकों, आप ये जो विजुअल्स देख रहे हो, ये गंगाबाई घाट के है। इस पोर्शन में सुपुर्द खाक किया जाता है, तो इस पोर्शन में बॉडी को जलाया जाता है। आइए हम सीधा रुख करेंगे कुछ है यहाँ इस शमशान भूमि पे अंतिम संस्कार करने के लिए किसी के परिजन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आइए उनसे ही जानना चाहेंगे कि आखिरकार उनका इस कूड़े कचरे को लेकर क्या कहना है। हेलो सर, कैसे हो? नमस्ते। बढ़िया सर। सर ये बताइए कि अब तक के आप कितनी मर्तबा इस शमशान भूमि पे आए हो? मैं काफ़ी बार आया हूँ। मेरे बहुत सारे मित्र, मेरे गनगोर, मेरे कुछ परिवार के
सब यही पे दहन होता था, मगर आज इस कोविड परिस्थिति में आज हमारे मित्र की मिसेस गुजर गई, वो कोविड पॉजिटिव थी, मगर यहाँ पर जब देख रहे हैं मैं प्रशासन की लापरवाही कैसा यहाँ पे, आप बोल रहे हैं कि शासन बोलती है कि आप प्रिकॉशन लो, मगर यहाँ पर देखो कैसे छोड़ के जाते हैं गंदगी, कोई उठाता नहीं है, ये सब अवस्था देख के बहुत दुख लगता है। प्रशासन से क्या कहना चाहोगे आप? प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर देखो अभी कोरोना से कितने लोग पॉजिटिव यहाँ पे गुजर रहे हैं, लोग आते हैं, अब वो उनको बैठने की व्यवस्था बोलो वो व्यवस्था तो छोड़ दो, पर यहाँ पे इतना कचरा है, कोई वो कोई सुविधा नहीं है, बस इतना ही बोलना है मुझे। तो सुविधा यहाँ पर नहीं है, असुविधाओं का अंबार इस समय में गंगाबाई घाट के शमशान भूमि पे लगा हुआ है। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कर्मियों ने अपने हाथ के ग्लव्स निकाले और यूं ही फेंक दिए, पिछले ये कई दिनों से इसी तरह इसी स्थान पे पड़े हुए हैं, इससे भी कोरोना का संक्रमण और बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब भी अंतिम संस्कार करने के बाद हाथ पांव धोने की कुछ प्रथाएं हैं, लोग उसका पालन करते, जब हाथ पांव धोने आते हैं और उन्हीं के नज़दीक ये दिखता है वो कोरोना का ख़तरा, इस ओर है क्या सरकार का ध्यान? सरकार ने ध्यान देना चाहिए और इस तरह का ये जो कूड़ा कचरा गंदगी का आलम जो स्वच्छ नागपुर सुंदर नागपुर के शहर में गंगाबाई शमशान घाट पर है उसे दूर करना चाहिए, यही समय की मांग है। स्वस्थ रहे, सुंदर रहे। गंगाबाई घाट से संजय मीरे की ग्राउंड रिपोर्ट आप सभी के लिए। BCN न्यूज़ नागपुर। नमस्कार।